हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है शुभम और दोस्तों आज के स्टूडियो में हम बात कर रहे होंगे माइंडट्री की ऑफ कैंपस हायरिंग के बारे में। हाँ जी दोस्तों, माइंडट्री ने अपनी ऑफ कैंपस हायरिंग की अनाउंसमेंट कर दी है और इसकी डेट काफी स्पीड से क्लोज हो जाने वाली है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सारी चीजों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और हर चीज को बड़े ध्यान से समझ लेना। सो दोस्तों, अगर आपने अपनी बीटेक या फिर बीई कंप्लीट करी है 2021 या फिर 2022 में और आप बिलोंग करते हो सीएस या फिर आईटी या फिर किसी भी सर्किटल ब्रांच से, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसीई, इन सब में से अगर आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो तब भी यहां पर आप एलिजिबल हो जाते हो। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना कि आपका ग्रेजुएशन के टाइम पर ना तो कोई भी गैप होना चाहिए, मतलब आपकी ग्रेजुएशन के टाइम पर ना कोई गैप अलाउड है, ना ही अगर आपकी कोई एक्टिव बैकलॉग है वो भी अलाउड नहीं है। साथ ही में अगर आपकी सीजीपीए या फिर परसेंटेज, चाहे आपकी 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, या फिर आपकी ग्रेजुएशन के टाइम पर या तो 6 CGPA होना चाहिए या फिर आपके परसेंटेज 60% और उससे अबव होना चाहिए। ये डिटेल्स बहुत ही बेसिक डिटेल है, बाकी चीजें मैं अभी आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, बट ये होना मैंडेटरी है तभी आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। अदरवाइज आप यहां पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे इस माइंडट्री की ऑफ कैंपस हायरिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि माइंडट्री जो हायरिंग कर रहा है ये कौन सी डेजिग्नेशन के लिए कर रहा है। ये हायरिंग हो रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। सो दोस्तों जो डेजिग्नेशन रहने वाली है वो रहेगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी ग्रेजुएशन का पास आउट ईयर होना चाहिए 2021 या फिर 2022, तो ये सबसे पहला पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। सेकेंड चीज आती है, आपका जो ग्रेजुएशन है वो बीई या फिर बीटेक होना चाहिए और उसकी ब्रांच रहेगी सीएस, आईटी या फिर सर्किटल ब्रांच। ये तीन ब्रांच ही एलिजिबल है। तो दोस्तों हमने देख लिया हमारा ईयर ऑफ पास आउट क्या है, हमने क्या कोर्स कराना चाहिए और उसकी ब्रांच क्या रहनी चाहिए। फिर बात आती है परसेंटेज की। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपकी 10th क्लास का, 12th क्लास का जो भी परसेंटेज है और आपके ग्रेजुएशन का जो भी परसेंटेज है, सब में इंडिविजुअली या तो 6 CGPA होना चाहिए या फिर 60% या फिर उससे अबव का परसेंटेज होना चाहिए। ये सेकंड क्राइटेरिया आ जाता है, इसका भी बहुत जरूर से ध्यान रखना। और एप्लीकेशन की डेट के बारे में आपको बता देता हूं कि आपको जितना जल्दी हो सके अप्लाई करना है, आज ही अप्लाई करना है, इस वीडियो को देखने के बाद अप्लाई कर देना, बिकॉज एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी आपकी 11th ऑफ नवंबर 4 बजे, शाम को 4 बजे से पहले ही आपको अप्लाई कर लेना है। तो मैं आपको जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो अपना अप्लाई कर देना, बिल्कुल वेट मत करना। सेकंड चीज आती है आपकी, अब आपको रजिस्टर करना है तो उसके लिए आपको कुछ और डिटेल पता रहनी चाहिए कि आप जो जॉब करने वाले हो उसमें आपका पैकेज क्या रहने वाला है, आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, आप घर से काम करोगे या फिर अपनी लोकेशन पर जाके काम करोगे। सो दोस्तों आपको मैं डिटेल में समझा देता हूं कि ये डेजिग्नेशन क्या रहने वाली है। डेजिग्नेशन जैसे मैंने आपको बता दिया ये रहेगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, और माइंडट्री कंपनी में जो आपका डेजिग्नेशन के साथ बैंड मिलेगा वो आपको C1 बैंड मिलेगा, उसको अभी आप ज्यादा ध्यान मत दो, बिकॉज आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो आपकी डेजिग्नेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। आपका जो एनुअल पैकेज रहने वाला है वो 4 लाख पर एनम का रहने वाला है, तो 4 लाख पर एनम का आपका पैकेज यहाँ रहेगा। साथ ही में आपको यहाँ पर और भी बेनिफिट्स मिलेंगे जो हर कंपनी देती है, मेडिकल वाले एंड ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, बट ये सब आपके लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करेगा अभी आपका क्या होने वाला है। जैसे अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है यहाँ पर तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग ऑनलाइन होने वाली है, उसके बाद डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है और आपकी लोकेशन क्या होती है और प्रोजेक्ट की और कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको घर से काम करना है या फिर ऑफिस से, वो सब उसी टाइम पर डिपेंड करा जाएगा। बट अभी के लिए जो आपका स्मूथ प्रोसेस है वो मैं बता देता हूँ किस तरह से रहने वाला है, आपका हायरिंग प्रोसेस किस तरह से काम कर रहा होगा। दोस्तों सबसे पहले आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, सेकंड चीज आती है कि आपका एक कोडिंग टेस्ट होने वाला है, थर्ड आपका एक टेक्निकल डिस्कशन होगा, फोर्थ आपका एक HR राउंड होने वाला है। तो ये सब कुछ प्रोसेस रहने वाला है जिसको आपको क्लियर करते हुए यहाँ पर अपना सिलेक्शन करवाना रहेगा। और एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको ये सब काफी आसान रहने वाला है यार, मेन हो जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लो और कोडिंग टेस्ट क्लियर कर लो, उसके बाद अगर आप ये स्टार्टिंग के 2 राउंड क्लियर कर लेते हो तो आपका टेक्निकल डिस्कशन काफी आप कॉन्फिडेंस भी रहेगा, बिकॉज आप ये 2 राउंड क्लियर करके चले जाओगे और HR तो आपका 99% क्लियर हो जाएगा अगर आप ये 3 राउंड क्लियर कर लेते हैं तो। और आपको इन सब चीजों का काफी ध्यान रखना होगा, अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो यार आपको ये ना ऑनलाइन काफी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लास्ट ईयर क्या पूछा गया था या फिर
फ्रेशर एज अ फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल के लिए पाइंट्री क्या क्वेश्चंस पूछते हैं वो आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाकर देख सकते हो। फॉर एग्जांपल क्लास डोर पर एंड गीक्स फॉर गीक्स पर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स मिलने वाली हैं। तो अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, इसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो आ जाएगी जो कि डेडिकेटेड वीडियो रहने वाली है। तो ये सारी कुछ डिटेल्स रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं कि अभी आपको अप्लाई करने के लिए करना क्या रहेगा, सो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूँ जो कि आपको डायरेक्ट क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खोल के देगा जिसका होगा ऑफिशियल माइंडट्री का फॉर्म, जहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। और जैसे ही आप इस सारी डिटेल्स को भर देंगे तो आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे बहुत आसानी से। कुछ भी नहीं करना, अपना नाम भरना है आपको, अपना ईमेल आईडी भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन ध्यान से भरना है, साथ ही में अपनी क्वालिफिकेशन भरनी है। बस इतना एक सिंपल सा गूगल फॉर्म है, उसको कंप्लीट कर दोगे तो आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे। तो जैसे मैंने आपको बताया लास्ट डेट 11th ऑफ नवंबर है, तो जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को देखने के बाद अप्लाई कर देना, वेट मत करना। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में लिख के बताना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी स्टे सेफ।